भारत की सबसे लंबी रेड पर बनी राजकुमार गुप्ता की फिल्म रेड आज से सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लेके लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट है, तो आइए हमारे कटिंग रिव्यू में जानते हैं कैसी है ये फिल्म। फिल्म की कहानी 1981 के लखनऊ में बेस्ड है, जहां ट्रांसफर होता है एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर अमय पटनायक यानी अजय देवगन का। फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग टर्न तब लेती है जब अमय पटनायक शहर के नामी पॉलिटिशियन ताऊ जी यानी कि रामेश्वर सिंह यानी कि सौरभ शुक्ला के घर रेड मारने के लिए जाते हैं। अब आगे क्या होता है, यही फिल्म रेड की कहानी है। ये सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है और आपको अपने साथ बांध के रखती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है। देसी मार्टिनी की ऑडियंस ने इस फिल्म की स्टोरी को दिए हैं 5 में से 3 स्टार्स। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता ने हमें पहले आमिर और नो वन किल जैसिका जैसी फिल्में दी हैं और इस बार भी वे सेम फॉर्म में हैं। उन्होंने अमय पटनायक और ताऊ जी दोनों के ही कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से दिखाया है और यही दोनों इस फिल्म की खासियत है। फिल्म का डायरेक्शन ही इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। देसी मार्टिनी की ऑडियंस ने इस फिल्म के डायरेक्शन को 5 में से 3.5 स्टार्स दिए हैं। जहां एक तरफ अजय देवगन है तो वहीं दूसरी तरफ है सौरभ शुक्ला और इन दोनों ने ही अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभाया है। फिल्म की हीरोइन इलियाना डिक्रूज ने काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में उनका रोल कुछ खास नहीं था। इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट काफी अच्छी और एप्ट है, लेकिन अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की वजह से देसी मार्टिनी की ऑडियंस ने इस फिल्म की परफॉर्मेंस को 5 में से 4 स्टार्स दिए हैं। इस फिल्म का लुक और फील काफी अच्छा है और इस बात का श्रेय जाता है सिनेमेटोग्राफी को, जो फिल्म के इंटेंस मोमेंट्स को काफी अच्छे से कैप्चर करती है। फिल्म की क्रिस्प एडिटिंग इस फिल्म को चेक में रखती है, जिसकी वजह से आपका ध्यान भटकना काफी मुश्किल है। देसी मार्टिनी की ऑडियंस ने इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग को 5 में से 3 स्टार्स दिए हैं। इस फिल्म में कुछ ही गाने हैं और ये सभी गाने अच्छे हैं, लेकिन जब भी ये गाने फिल्म में आते हैं तो इसकी नरेशन को बिगाड़ देते हैं। हालांकि इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफी अच्छा है। देसी मार्टिनी की ऑडियंस ने इस फिल्म के म्यूजिक को 5 में से 2.5 स्टार्स दिए हैं। अगर आप इस वीकेंड पे कुछ नहीं कर रहे हैं तो जाइए रेड देख आइए, और हाँ, सबसे पहले अपना एंटरटेनमेंट टैक्स भरिएगा, वरना क्या पता अमय पटनायक आपको थिएटर में ही पकड़ ले। फिलहाल desimartini.com पर इस फिल्म की रेटिंग 2000 है और इसे 3.4 स्टार्स मिले हैं। आप भी इस फिल्म को देखने के बाद desimartini.com पर जाकर इसे रेट एंड रिव्यू करना ना भूलें।